हेलो, आज हम द रिमूव करेंगे जो वाइट लेयर होती है ना। कभी ब्लैक पे ले लो, कभी वाइट पे ले लो। वाइट पे पिंकिश लेयर है लेकिन वो बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन इस तरह का भी बनेगा ये। मैं इसको पूरा वाइट जो लेयर है ना वो हटाने की कोशिश कर रही हूँ। पूरा उसको धो रखा है मैंने और फिर वो सॉफ्ट हो गया। और फिर ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ मैं। मेरे घर में जो भी रहता है उसी से इसका ऊपर का जो लेयर है वो हटाने का कोशिश कर रही हूँ। ये ब्लैक शेल स्टोन है लेकिन वो कुछ ऐसी लेयर होती है ना वो उसके कारण वो ब्लैक दिखती नहीं है। प्योर ब्लैक बहुत अच्छा लगता है, आपने देखा। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ वो सब कैसे मैं इसको हटाऊँ। ऐसे वो ग्रिटीनेस भी नहीं है, एक्चुअली टेस्टी लगता है ये पार्ट लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए, इसीलिए मैं उसको रिमूव कर रही हूँ। जितना बन सके उतना मैं कोशिश कर रही हूँ करने की, उसको रिमूव करने की। और ये एक्सपेरिमेंट में मैं सक्सेस भी हो गई बहुत इजीली। हमारे घर में जो रहता है ना आलू छीलने के लिए, उसी से मैंने, देखिए कितना सुंदर बन गया। फ़र्क देखिए, ये पूरा क्लीन किया हुआ है, अच्छे से रिमूव किया है। और ये अभी दूसरा लिया है, ये देखिए ये तो कैसा है लग रहा है। इसके दो लेयर भी है, इसको भी मुझे करना है। ऐसे टोटल 5 पीसेस मैंने किए थे मुझे। ये देखिए कितने फटाफट फटाफट निकल रहा है ये। ये देखिए इससे भी मैंने ट्राई किया, उससे मेरा हाथ दुखने लगा तो इससे कर रही हूँ मैं। अभी पूरा ये वाइट लेयर मुझे निकालना है और मुझे फिर जाके ये टेस्टी लगेगा, इसीलिए। एक रिलैक्सेशन वीडियो बनाने की कोशिश की है मैंने। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। ये अभी 3 तो कर लिए मैंने और ये फोर्थ वाला कर रही हूँ। जैसे जैसे उसके ऊपर की वाइट लेयर है वैसे वैसे मैं टूल्स यूज़ कर रही हूँ। ये हल्का था इसलिए ऊपर ऊपर का निकालना पड़ रहा है इससे, तो ये इजीली रिमूव हो रहा है उससे वाइट लेयर बहुत अच्छे से। ये हम पाउडर करके भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसको पाउडर करके भी यूज़ किया है, स्लेट पाउडर, बहुत इजीली। और ग्रीट फ्री प्रोडक्ट रहेगा ना ये पाउडर। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कमेंट कर दीजिए। बाय फ्रेंड्स।